हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं मैम हनुमान जी के भक्तों की। स्पेशली हनुमान भक्तों के लिए ये वीडियो है दोस्तों, कि हनुमान जी की तस्वीर किधर लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, कौन सी दिशा में लगानी चाहिए, सही दिशा इनकी क्या है। दोस्तों, हनुमान जी की तस्वीर लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तस्वीर लगाना अच्छाई की जगह विनाशकारी भी हो सकता है। पुराणों में कई स्थानों पर हम आपको बताते रहते हैं कि वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो उसको हटाने के लिए आप चित्र लगाइए, नक्काशी लगाइए, बेल बूटे लगाइए, मनोहर आकृतियां लगाइए। सभी चीज़ों का वर्णन करके मैं आपको बताती हूँ। और अपने घर को चित्रों से, आकृतियों से सजाने की कला बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। ये वास्तु दोष के साथ साथ अनेक दोष को दूर करती है, जिसका उल्लेख आपको बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं आदि स्थापित करते हैं तो ये हमारे जीवन में चमत्कारी प्रभाव देती है। इसलिए शास्त्रों में प्रतिमाओं, चित्रपटों आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी बनाए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में देवी देवताओं के चित्र लगाना जहाँ एक ओर परेशानियों का दूर करता है, घर में सुख शांति का प्रभाव बना रहता है, वहीं दूसरी ओर अगर इनको सही तरीके से नहीं लगाया जाए तो ये घर में क्लेश का वातावरण पैदा कर सकते हैं, अशांति कर सकते हैं एवं हमारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हनुमान जी, राम भक्त हनुमान, श्री प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी जागृत देवता हैं, और जब इनको सच्चे दिल से पुकारो तो ये हमारे जीवन में दौड़े दौड़े चले आते हैं। हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है, शीघ्र फल को देने वाली है, उतनी ही कठिन भी मानी गई है। कठिन क्यों मानते हैं? क्योंकि हनुमान जी की भक्ति के समय इंसान को अपना चरित्र बहुत ही उत्तम रखना चाहिए, मंदिर में पवित्रता का स्थान रखना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। बजरंगबली की भक्ति के प्रभाव से मनुष्य चमत्कारिक रूप से अपने समस्त दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों और वेदों में भी ये बात कही गई कि एक बार अगर हनुमान जी की कृपा किसी पर हो गई तो समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया। उस मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ता, कोई शत्रु नहीं होता, कोई बुरी शक्तियां उसके पास नहीं आती। भगवान श्री राम जी ने अंजनी पुत्र हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। हनुमान जी की भक्ति आज भी कलयुग में तुरंत फल को देने वाली मानी गई है, और हनुमान जी की मूर्ति, उनके भक्त हर कोई अपने घर में एक न एक फ़ोटो ज़रूर विराजमान करते हैं। आप किसी भी घर में उनकी मूर्ति, फ़ोटो आदि आसानी से देख सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार, जैसा मैंने बताया, घर में देवी देवताओं की फ़ोटो लगाना शुभ माना जाता है, सभी परेशानियों को दूर करता है, निगेटिविटी को घर के बाहर करता है, घर में सुख और शांति बनाए रखता है। जो भी हमारे घर पे मेहमान आते हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है, आपसी प्रेम परिवार में रहता है। लेकिन फिर भी वास्तु शास्त्र में हनुमान जी की फोटो घर में लगाने के संबंध में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिन्हें घर के किसी भी निश्चित स्थान पर लगाना चाहिए, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। हनुमान जी का चित्र जिस घर में सही दिशा में लगा होता है, उस घर में मंगल, शनि, भूत आदि किसी का भी दोष नहीं होता। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो घर में हनुमान जी के चित्र किस जगह और कहाँ लगाएं, ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं फटाफट बता दूँ कहाँ और कैसे लगाना है आपको हनुमान जी के फोटो। सबसे पहले ये बता दें कि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, और इसलिए कभी भी आपको उनके चित्रपट को या उनकी फोटो को बेडरूम में ना रख करके घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान में रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शयन कक्ष में हनुमान जी की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे।
अशुभ होता है और विपरीत परिणाम आपके घर में लेकर आता है। हनुमान जी की प्रतिमा को हमेशा शयन कक्ष के बजाय घर के मंदिर में या नॉर्थ के किसी भी वॉल पे आप इनको लगाएं। घर के ऐसी जगह हनुमान जी की प्रतिमा को भूल से भी ना लगाएं जहां पर धूल आदि घर में घुस सकते हैं। हनुमान जी की फोटो घर के उस स्थान में न लगाएं जहां से धूल आदि के घर में घुसने की संभावना हो, क्योंकि यदि घर में हनुमान जी की फोटो अथवा प्रतिमा रखी है तो उसकी पवित्रता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। यदि हनुमान जी की फोटो पर थोड़ा सा भी अपवित्रता का माहौल होता है या अपवित्रता हो जाती है तो घर में इसके विपरीत प्रभाव पड़ने लगते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी से हनुमान जी की फोटो को लगाना चाहिए। हनुमान जी की फोटो का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है जो आपको मानना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया कि हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा घर में उस जगह पर स्थापित करें जहां से हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। हनुमान जी की तस्वीर यदि बैठी हुई मुद्रा में हो व लाल रंग की हो तो और भी अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हनुमान जी ने अपने अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन दक्षिण की ओर किया गया था। हनुमान जी की तस्वीर एवं मूर्ति दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुराई को रोक देती है। हनुमान जी का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें दक्षिण दिशा में ही मिलता है क्योंकि लंका दक्षिण में है। सीता माता की खोज दक्षिण दिशा से आरंभ हुई थी। लंका दहन और राम रावण का युद्ध भी इसी दिशा में हुआ था। दक्षिण दिशा में हनुमान जी विशेष बलशाली रूप में होते हैं। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में हनुमान जी का चित्रपट लगाने से दक्षिण दिशा से आने वाली प्रत्येक नकारात्मक शक्ति को हनुमान जी रोक देते हैं। वास्तु अनुसार इससे घर में सुख और समृद्धि का समावेश होता है और दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत को हनुमान जी वहीं पर रोक देते हैं। तो जब भी घर में मूर्ति लगाएं या कुछ भी लगाएं, ऐसे लगाएं ताकि हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार हनुमान जी के पंचमुखी रूप को सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी बतलाया गया है। पंचमुखी तस्वीर या मूर्ति यदि घर में हो तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवास होता है तथा उन्नति एवं तरक्की के सभी मार्ग उस घर में रह रहे लोगों के लिए खुल जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, और अगर आपका घर साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी अग्नि कोण में आपका मुख्य द्वार है तो ऐसा माना जाता है कि अग्नि कोण में अगर मुख्य द्वार होने पर यानी कि आपका हो गया साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपका मुख्य द्वार है तो वहाँ पर आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा लें तो उस कोण के जो भी मुख्य द्वार के सारे दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को घर के प्रवेश द्वार के ऊपर लगाने से घर में दरिद्रता भी कदम नहीं रखती है। दोस्तों, जिस रूप में हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों, ऐसे फोटो को घर में लगाने से किसी भी तरह की बुरी शक्ति का प्रवेश असंभव होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हनुमान जी की मूर्ति ऐसे लगाएं ताकि वो घर में आपके बुरी शक्तियों के प्रभाव को रोक सके। मंगलवार और शनिवार के दिन श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप नियमित रूप से पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान जी की फ़ोटो के रोज़ दर्शन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, कष्ट दूर अगर करना चाहते हैं आप अपने जीवन से तो रोज़ हनुमान जी की ऐसी फ़ोटो की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की आराधना कर रहे हैं। अगर आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं या नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो हनुमान जी की ऐसी फोटो की पूजा करें जिसमें उनका स्वरूप सफ़ेद रंग का हो। अगर आप एकाग्रता, मेडिटेशन और शक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ऐसी की मूर्ति की पूजा करें जिसमें वो श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की ऐसी मूर्ति जिसमें वो श्री राम की सेवा में लीन है,
ऐसे स्वरूप की पूजा करने से सेवा और समर्पण की भावना भी जागृत होती है। हनुमान जी ने अपने साहस और पराक्रम से कई राक्षसों को नष्ट करके भगवान श्री राम के काज सवारे थे। वीर हनुमान की पूजा से भक्तों को साहस की भी प्राप्ति होती है और ये सूर्य देव हनुमान जी के गुरु जी माने जाते हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की पूजा कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने पर ज्ञान, गति, उन्नति और सम्मान मिलता है। दोस्तों, हनुमान जी की जिस फोटो का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इसकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है। और दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है, पितृ की मानी जाती है, इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताएँ समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सारा बताया है कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, कौन से देवता की, कौन से हनुमान जी की पूजा, किस मुख के हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन परिस्थितियों में करनी चाहिए। कर लीजिए ये उपाय और पा लीजिए पूर्ण फल। ध्यान रखें दोस्तों, गलत पूजा का विनाशकारी हो सकती है, इसलिए भूल से भी ना हनुमान जी की मूर्ति को इस प्रकार रखें ताकि वो आपके विनाश का कारण मिल जाए। ध्यान रखें, जो लोग नौकरी के लिए करना चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से उड़ते हुए बजरंग बली की फ़ोटो अपने घर में लगानी चाहिए और मुख उनका हमेशा दक्षिण मुखी होना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप मुझे 15 जून के बाद ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, अपने परिवार वालों से और जो भी हनुमान भक्त है, चाहे वो आपके दोस्त हो, फैमिली हो, उनसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।